बिल्कुल महिमा, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मैसेज दो ताकि जैसे तेरे छोटे भाई को स्टेज पे देख के लगा कि मुझे दीदी के साथ इसी कोचिंग में पढ़ के सिलेक्ट होना है। तो मैं चाहता हूं आप रोल मॉडल हैं, आप प्रेरणा स्रोत हैं, एक शानदार सा वो जहां 9th 10th के बाद से लेके और एम्स ऋषिकेश तक जाने की भी जर्नी जो है ना, वो अपने छोटे बहन भाइयों को, आपके साथ के बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं बेटा जो सिलेक्ट नहीं हो पाए रिपीटर्स, उनके नाम मैसेज दे। एक बार मेरी बेटी जो ताले बजाए और बड़े खुल के अपनी बात रखे बेटा जी, अगले 10 मिनट आपके नाम है। थैंक यू सर, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ कि मेरे घर पे आप सब आए हैं। और जैसे कि आपको बताया, मेरा नाम महिमा चौधरी है, मैंने अभी 2020 का नीट क्रैक किया, 665 मार्क्स थे मेरे, ऑल इंडिया रैंक 1712 थी। उससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें 552 मार्क्स थे, कट ऑफ लगभग 575 थी। उस टाइम जो आपको फील होता है, जब आप बिल्कुल मार्जिन पे आके रह जाते हैं तो फील आपको कम होता है। आप जो अपने पेरेंट्स को देखते हो, वो आपको कुछ बोलते नहीं है। आपने देखा होगा मम्मी अक्सर भावुक हो जाती है, मम्मी को आप देख सकते हो, वो खुश हैं, वो दुखी हैं आज, वो गुस्से में आज। पापा का सेम रहता है, पापा के इमोशंस देखे नहीं जाते, और जिस दिन वो इमोशंस दिख जाते हैं ना, मतलब आपने कुछ या तो कुछ बहुत ही अच्छा कर दिया या मतलब गड़बड़ किया आपने। तो जब मेरा रिजल्ट आया, पापा यही बोल रहे थे कोई बात नहीं हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। लेकिन जो उनके पीछे जो उन्होंने भाव देखे ना, उनके उस हो जाएगा बोलने में जो भाव था ना, उसको मैंने बहुत फील किया कि आज मेरी वजह से मेरे पापा को ये बोलना पड़ रहा है। वरना वो ये बोलते कि मतलब वो सबसे बात कर रहे होते, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते उनको सब, लेकिन उन्हें ये बोलना पड़ रहा है हो जाएगा बेटा अगली बार। वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हुई। और जैसे सर ने बोला, तो जब मैं बच्ची थी तो मैं बोलूँगी मैं बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाली लड़की थी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नरेंद्र सर ने किया, सही में मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे क्लास में जैसे आगे बुला के बोलना और काफ़ी प्रेरित किया उन्होंने मुझे बहुत। और अब मैं शायद कॉन्फिडेंस की तो मुझे नहीं लगता सर की वजह से कोई कमी है। और फिर मैं गई गुरुकुल स्कूल में 9th 10th 9th में, मैं वहाँ पे थोड़ी इंट्रोवर्ट सी थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। 10th में मैं वहाँ पे, मेरी मम्मी की पोस्टिंग बाड़मेर हो गई थी, तो थोड़ा सा मतलब घर पे ही हो गया था कि कहाँ रहेगी, तो मैं वहाँ हॉस्टल में रही थी 10th के बाद। मैंने 10th 11th 12th तीनों वहीं हॉस्टल में रही, और फिर मैं CLC में आ गई। 2 साल मैंने वहाँ तैयारी की। अब CLC में फर्स्ट ईयर में गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ, स्कूल से जब बच्चा जाता है तो उसे पता नहीं होता क्या पढ़ना है। फर्स्ट ईयर जो बॉस असेंबली में बोलते थे मैं वो चीज़ पढ़ती थी, लेकिन अपन को एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता कि कैसे उसको कवर करें हम। उस चीज़ को प्रॉब्लम को मैंने बहुत फेस किया। ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाई नहीं कि मैंने बहुत पढ़ी, लेकिन वो जब आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता, डायरेक्शन नहीं मिलती। बॉस बहुत गाइड करते थे, लेकिन जब तक आपको एक खुद ओवरऑल आइडिया नहीं होता, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जब फर्स्ट ईयर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं आई तो थोड़ा आइडिया था कि अपन को कैसे पढ़ना है। फिर मैं सबसे अच्छा बार तो CLC का ऑफकोर्स असेंबली ही है। शाम को जब वहाँ बैठते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो मतलब आपकी बॉडी में एक अलग ही वाइब्रेशन होता है कि हाँ मुझे करना है। जब बॉस कई बार वहाँ पे इमेजिन कराते थे कि एक सिनेरियो देखो कि आप घर पे हो इस वक्त, असेंबली में नहीं हो, आप इस वक्त घर पे हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो, आपकी मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे। कई बार ऐसे इमेजिन कराते थे कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कितनी खुश होंगी, घर वाले कितने खुश होंगे। और कई बार उल्टा भी कराते थे कि अगर आप बदमाशी कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो सोचो आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा को कितना दुख होगा। तो वो जो चीज़ है वो शायद आपको CLC के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। CLC का मैं बोलूँ तो CLC का अगर आपको 100% बेनिफिट लेना है तो शायद हॉस्टल में ही रहो। मैं वहाँ हॉस्टल में रही थी, मैं वहाँ नाथजी हॉस्टल में थी, 6th फ्लोर पे मेरा रूम था। वहाँ मुझे ममता में मेरी वार्डन थी। अच्छी चीज़ है, आप वार्डन का नाम भी कोट कर रहे हैं, मतलब केयर जो करता है उसके नाम कोट करते हैं। वो इतनी केयर करती थी मेरी, मेरे जैसे एक माइनर छोड़ के, मतलब एक संडे छोड़ के एक संडे माइनर होता है, तो हर माइनर के बाद वो मेरे रूम में आती थी, मुझे बोलती थी कि महिमा कितने मार्क्स आए। कई बार कम आते थे, कई बार ज़्यादा। कम आते थे वो मुझे बोलती थी, क्या हुआ आसपास की लड़कियाँ परेशान करती हैं ऐसा कुछ, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं थोड़ी पढ़ाई कम हुई, थोड़ा टॉपिक हार्ड था। मतलब हर माइनर के बाद पूछने आना इतने बड़े, मतलब वहाँ 500 लड़कियाँ रहती थी, उनमें वो इंडिविजुअली पूछने आती थी, बहुत बड़ी बात है। हर कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता इतनी केयर। और तो ममता मैम का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मम्मी की तरह रूम में आके डांटती थी कि फ्रूट्स क्यों नहीं खाए तूने, वो सड़ रहे हैं उनको खा उनका तो। और जैसे
अभी जैसे मैं अभी के बच्चों के लिए बोलूंगी, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, पेपर का पता नहीं है, एक्सटेंड हो जाता है। इस सिचुएशन को मैंने भी फेस किया है। जब मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम पेपर की डेट एक्सटेंड हुई थी तो अच्छा लगा था कि टाइम मिल गया हमें तैयारी करने को, लेकिन जब वो बार बार हो रही थी तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि कब तक पढ़ेंगे हम लोग, कब तक इस चीज़ को हम पढ़ें, कब तक कंटिन्यू करें। आपके पास एक डेडलाइन होती है किसी चीज़ की, तब आपके अंदर उस चीज़ को करने का मन में होता है कि हम जैसे कंप्लीट करना है इस डेट तक। अब कुछ नहीं है तो आपका पेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उस चीज़ का है। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगी कि बहुत ही टफ टाइम है, लेकिन आप जैसे आप एक तो कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रखो। कई बार क्या होता है कि हम घर पे हैं तो कई बार घर पे कोई फंक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमारी वो कंटिन्यूटी वो ब्रेक हो जाती है। आज भाई के साथ खेलने बैठ गए, आज मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो खाने के बाद कई देर बातें कर ली, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रखो। दूसरा, जैसे कोविड टाइम है तो यहाँ काफ़ी स्ट्रेस है, हमने जैसे सेकेंड वेव में तो काफ़ी लॉस भी हुआ है, तो कई बार अपन स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस को आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो। जैसे मैंने जब मैं 12th में थी तो मैंने अब्दुल कलाम की बायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर पढ़ना स्टार्ट किया था, हालांकि वो ख़त्म नहीं हुई। उसमें एक चैप्टर है कि अब्दुल कलाम को MIT में एडमिशन मिला, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ उनको एडमिशन मिला। तो वो गए, उनको उनके बैच को प्रोफेसर ने एक वर्क दिया कि तुम्हें एक रॉकेट का डिज़ाइन बनाना है। उन्होंने डिज़ाइन तैयार करके प्रोफेसर को दिखाया, प्रोफेसर को पसंद नहीं आया, बोला ऐसा डिज़ाइन बनाए तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन लूंगा। अब्दुल कलाम आप जानते हो बहुत ही पुअर फैमिली से थे, बहुत ही उन्हें लगा उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय उनके लिए, उनको ये चीज़ इतनी मतलब स्ट्राइक की ना माइंड में कि स्कॉलरशिप चलेगी तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो फ्यूचर ही नहीं बचेगा। फिर उन्होंने अपने प्रोफेसर को कन्विंस किया कि सर मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं ये डिज़ाइन वापस बना के आपको दिखाऊंगा। प्रोफेसर गुस्से में थे, उन्होंने बोला कुछ 3 महीने का टाइम नहीं है, 3 दिन का टाइम देता हूँ, ये इससे बेटर डिज़ाइन दो वरना फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल। अब उस टाइम सोचो कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा उनके लिए, एक बहुत ही गरीब परिवार से बच्चा जो स्कॉलरशिप की वजह से कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी स्कॉलरशिप छीन जाने का सवाल है। वो रूम पे गए, मतलब उन्होंने सोचा यार 3 महीने का काम मैं 3 दिन में कैसे करूँगा, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि मैं उस टाइम मैंने एक पानी बोतल भरी और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। ये उन्होंने बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मैंने उसे एक बोतल से पानी। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो आप देखो मतलब ह्यूमन ब्रेन है, उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जब आदमी 3 महीने का काम स्ट्रेस की वजह से 3 दिन में कर सकता है तो स्ट्रेस कितना पॉजिटिव वर्क करता है। अब उनके पास उस टाइम 2 ऑप्शन थे कि स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में चल जाए, फिर कुछ गलत कदम उठा लें, पर उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, अपने पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज किया। तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ये चीज़ आपको खुद को ही सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हो। दूसरा चीज़ है कि हम कई बार क्या होते हैं, माइनर होता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, माइनर के बाद माइनर जिस दिन हुआ वो पूरा संडे वेस्ट करते हैं हम, फिर मंडे को अपन सोचते हैं कल ही तो माइनर दिया है, आज और मजे करते हैं। वेंसडे तक तो ये फील ही नहीं आती कि हमारा अगला माइनर भी है। वो टाइम है ना, उस टाइम को यूज़ करो। जो बच्चे मतलब कुछ करते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, वो क्या करते हैं, उन 3 दिनों के अंदर वो अगले वीक का पूरा पढ़ लेते हैं, चाहे उनको समझ में उसका 10% ही आया हो, लेकिन वो जब क्लास में बैठते हैं उस 10% पढ़े हुए के साथ में, तो वो इतना फोकस्ड हो जाते हैं क्लास में कि ये मैंने उस टाइम पढ़ा था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 3 दिन वेस्ट करता है ना नॉर्मल बच्चा, उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करो। हाँ, थोड़ा सा खुद को होता है कि रिलैक्स करना है तो ठीक है, जिस माइनर को संडे दिया उस दिन सो जाओ। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप बाहर घूम रहे हो, वो चीज़ आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे। याद रखो कि एनर्जी अपने पास फिक्स है शरीर में, उसको 2 ही काम में लो, या तो आप पढ़ो या फिर आप सो, बस 2 ही। एक आप जैसे कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रखो, सिंगल माइंडेड बनो अगर कुछ अचीव करना है तो। और जैसे सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि आप अच्छे, जैसे आपके किसी माइनर में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसके बाद आपने क्या किया, वो इस पे डिपेंड करती है। किसी में आपके कम मार्क्स आए, आपको फेलियर मिला, उसके बाद आपने क्या किया, ये सक्सेस को डिटरमाइन करती है। सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ यू डील योर फेलियर्स। मुझे अभी भी याद है, मैं मतलब थोड़ा बताना चाहूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट था, 180 मार्क्स का था। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, जैसे प्रियांशी और भारती, तो हमने दिया, हम तीनों कम मार्क्स आए, मेरे 100 105 आए, प्रियांशी के 101 थे, भारती के मुझे एग्जैक्ट याद नहीं।
तो हमें लगा कि केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक का पेपर था, उस चीज़ में हर एक चीज़ मेमोराइज करने की होती है। तो उस दिन हम लोग थोड़ा अपसेट थे कि यार हमें तो पी ब्लॉक आता ही नहीं बिल्कुल भी, और इसके क्वेश्चंस तो आते हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। हमने उस टाइम डिसाइड किया कि आज रात को पूरे पी ब्लॉक को रट के सोएंगे। अब प्रियांशी थी वो अलग हॉस्टल में रहती थी, भारती अलग हॉस्टल में रहती थी, मैं नाजी में रहती थी। हम बॉस के पास, जैसे हमारे यहाँ सीएलसी में हॉस्टल के अंदर से स्टे करने की परमिशन नहीं है, दूसरे हॉस्टल की लड़की इस हॉस्टल में रात को नहीं रुक सकती। तो हम बॉस के पास गए, हमने लिखा पेपर पे, बॉस से साइन करवाया कि हम साथ पढ़ेंगे, इन्हें यहाँ रुकने की परमिशन दो। तो बॉस ने साइन कर दिए तुरंत, और फिर मैंने वार्डन को आके दिखाया। तो हमने उस दिन, उस रात पी ब्लॉक इस तरीके से पढ़ा कि आज तक मुझे पी ब्लॉक अच्छे से याद है। आपका ग्रुप स्टडी होती है बहुत अच्छी है, बस शर्त है कि आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको आगे ले जाएं। हमेशा खुद को फॉरवर्ड पुश करो, मीन्स अगर आप आज सेकंड रैंक आ रही है आपकी, तो खुश मत हो, कोई फर्स्ट भी ला रहा है उसको देखो कि वो फर्स्ट ला रहा है। फर्स्ट आ रही है तो भी खुश मत हो, आपके 680 आ रहे, 700 लाओ ना। तो नेवर बी सेटिस्फाइड। और ये जो पुश, फॉरवर्ड पुश वाला, ये जो ना खुद को हमेशा आगे की सोचो, ये आता है सेल्फ मोटिवेशन से। बॉस आपको मोटिवेट करते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सुन रहे हो स्पीच वगैरह, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जो मैटर करता है वो सेल्फ मोटिवेशन करता है कि आप खुद के लिए कैसे मोटिवेटेड हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है खुद के लिए, आपका खुद के लिए क्या है, सेल्फ एस्टीम कितना है आपका, कि आप क्या सोचते हो कि मैं कितना कर सकता हूँ, उस पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। और तो बस इतना ही है कि लास्ट में जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप मतलब आज किस पोजिशन पर हो, दोस्त वोस्त सब छूट जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो यही है कि आप कहाँ हो आज, क्योंकि जैसे बॉस बोलते हैं बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, फाइनली आपको आके घर में ही बैठना है, सब छूट जाते हैं, ये नहीं छूटते, इनके लिए करो। क्या बात है भैया, क्या बातें करते हैं बच्चे। और जैसे आप कुछ अचीव भी कर लो तो हमेशा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनो, ये मैटर नहीं करता आपके पास कितनी डिग्री, आपने MBBS कर लिया, MD कर लिया, MS कर लिया, ये मैटर नहीं करता, उससे आपकी सोसाइटी को कितना मिल रहा है वो चीज़ मैटर करती है। फिलहाल आप तो, अपन तो जैसे नीट की तैयारी करते हैं, तो एक ही चीज़ बोलूँगी, डोंट बी डीमोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, बी सिंगल माइंडेड, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपका जब भी दिमाग डाइवर्ट हो, आप कुछ अलग करने चलो, आपके दिमाग में एक वर्ड स्ट्राइक करना चाहिए कि बी सिंगल माइंडेड, एक ही चीज़ देख के मुझे नीट करनी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फुल जो भी करो कंसंट्रेशन से करो, अपना 100%। एक बहुत अच्छा बोलते भी हैं कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, खुद का बेस्ट वर्जन बनो कि मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता था, मैंने मेरा 100% दे दिया। फिर आप फेल भी होगे ना तो भी खुद के ऊपर वो नहीं होगा कि मैंने मेरा पूरा नहीं किया, मैंने मेरा पूरा दिया, वो रखो। इतना मतलब इतना हार्डवर्क करो कि जिस दिन आपका मोमेंट आए ना, आप ये बोल सको मैंने ये किया है, प्राउडली आप ये बोल सको। और तो बाकी तो मोटिवेशन तो बॉस कर ही देते हैं। क्या बात, क्या दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मेरे बहुत से बच्चों को सुना है। मैं सबसे पहले किसी बच्चे के स्पीच से प्रभावित हुआ था विकास गुर्जर से हुआ था, सुनील सर आप जानते हो तो। जी, बस विकास गुर्जर एक खेतरी का बच्चा था, विट 12th जो उदयपुर RNT में गया था, जिसके 12वीं के साथ मिस्टर महेंद्र द्रोण बोर्ड फाउंडेशन के बच्चे के 99% आए थे बोर्ड में। फिजिक्स में कंप्लीट थे, केमिस्ट्री में कंप्लीट थे, बायो में केवल उसका एक नंबर कम था, 300 में से 290 सिर्फ मार्क्स थे, ये 99% बन जाते हैं। उसका स्पीच सुन के मुझे लगा था कि श्रवण तुमने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। आज उसके बाद मुझे इसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। अब सेकंड बच्चे से हैं जिसके सुन के अच्छा लगा मेरे को।